फार्मूले को प्रूव करने के लिए कंसीडर ए यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल एक ऐसी सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस वन के इक्वल होता है विद सेंटर ओ एज शॉन इन फिगर तो फिगर में देखें हमने एक सर्कल बनाई है ये यूनिट सर्कल है यानी ऐसी सर्कल है जिसका रेडियस वन के इक्वल होगा जबकि सर्कल का सेंटर ओ है अब हमने इस सर्कल पर दो पॉइंट लिए ए को ओ से मिला दें बी को ओ से मिला दें तो ओ ए बी ये सर्कल का सेक्टर बन जाता है और लेट थीटा बी दी मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर सच दैट थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू चूंकि अभी मैंने बताया था कि ओ ए बी सर्कल का सेक्टर है और थीटा जोन सा होगा दिस इज देंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ओ ए बी अच्छा उसके बाद अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन के जरिए तो ओ ए बी ट्राइंगल बन जाएगी इस तरह हमारे पास दो चीज़ें बन गई एक तो ओ ए बी ट्राइंगल है और एक ओ ए बी सेक्टर है जिसका सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा है उसके बाद हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है तो हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की है जो सर्कल को पॉइंट ए पर टच करती है अब हमने ओ बी को बढ़ा कर डी पॉइंट तक ले गए यानी बी और डी को ज्वाइन कर दिया तो इस तरह हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गई ओ ए डी अब आप देखें इस यूनिट सर्कल में हमारे पास तीन किस्म की ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन गई हैं एक है ओ ए बी ट्राइंगल और दूसरे नंबर पर है ओ ए बी सेक्टर और तीसरे नंबर पर है ओ ए डी ट्राइंगल सबसे कम एरिया ओ ए बी ट्राइंगल का है उससे निस्पतन थोड़ा सा ज्यादा एरिया ओ ए बी सेक्टर का है और उससे ज्यादा एरिया ओ ए डी ट्राइंगल का है तो हम कह सकते हैं कि area of the triangle OAB is less than the area of the sector OAB is less than the area of the triangle OAD. चूंकि unit circle है, इसका radius one है, तो OA और OB circle के radius हैं, तो इसलिए ये दोनों किसके equal होंगे? one के equal होंगे। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिट सर्कल में तीन ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रही हैं ट्राइंगल सेक्टर फिर ट्राइंगल और उसके मतलब मैंने लिख दिया है कि ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी सेक्टर के एरिया से कम है और ओ ए बी सेक्टर का जो एरिया है वो ओ ए डी ट्राइंगल से कम है इसलिए अब हम यहाँ पर ट्राइंगल फिर सेक्टर फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसे वन में दर्ज कर देंगे सबसे पहले है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। तो इस ओ ए बी ट्राइंगल में बेस बनता है ओ ए परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड नहीं है इसलिए पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ए पर तो बी एम हमारे पास परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड बन गया तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी होगा हाफ बेस अल्टीट्यूड बेस बन गया ओ ए और अल्टीट्यूड बन गया बी एम ओ ए अगर आप ऑब्जर्व करें ओ ए तो सर्कल का रेडियस है और वो रेडियस किसके इक्वल होता है वन के तो जब हम ओ ए की वैल्यू वन पुट कर देंगे बाकी रहा बी एम तो बी एम मालूम करने के लिए हम ओ बी एम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं और इस ओ बी एम ट्राइंगल में साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बी एम है जबकि हाइपोटेन्यूज प्रोटीन्यूज ओ बी है और आप जानते हैं कि ओ बी सर्कल का रेडियस है जो कि इक्वल टू वन है तो इसलिए ओ बी की कीमत हम वन पुट कर देंगे तो लिहाजा साइन थीटा इज ईक्वल टू बी एम या बी एम इज इक्वल टू साइन थीटा तो हमने ओ ए की कीमत वन पुट कर दी और बी एम की कीमत साइन थीटा पुट कर दी तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा हाफ साइन थीटा यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल Is equal to half sin theta. AB, triangle का एरिया कैलकुलेट करने के बाद next हमने area calculate करना है area of the sector, आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी उसका फार्मूला होता है हाफ आर स्केर थीटा आर होता है रेडियस चूंकि ये तो यूनिट सर्कल है तो लिहाजा आर की कीमत क्या होगी वन तो हाफ वन स्केयर इन टू थीटा वन का स्केयर वन होता है वन को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा बन जाएगा तो लिहाजा हमारे पास सेक्टर का जो एरिया बन जाएगा वो होगा हाफ थीटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी कैलकुलेट कर लिया अब तीसरे नंबर पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डी तो कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डी इज इकल टू हाफ बेस ऑल्टीच्यूड तो ओ ए डी ट्राइंगल में बेस बनता है ओ ए और आल्टीच्यूड यानी परपेंडिकुलर बनता है ए डी ओ ए चूंकि रेडियस है और रेडियस वन के इक्वल है तो ओ ए की वैल्यू वन आ गई अब रहा ए डी ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए डी इसकी मदद से हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी ओ डी ट्राइंगल में हम टेन थीटा की रेशो लगाते हैं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो इस ट्राइंगल में ओ ए डी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होता है ए डी और बेस होता है ओ ए तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए डी ओवर ओ ए और ओ ए रेडियस है और रेडियस इक्वल टू वन है तो लिहाजा ए डी की, की कीमत हमारे पास टेन थीटा बन गई तो इसलिए हमने ए डी की जगह पर टेन थीटा पुट कर दिया तो अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया बना एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डी इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा तो ये तीनों एरियाज आप न, वन के अंदर पुट करेंगे हाफ साइन थीटा इज लेस देन हाफ थीटा इज लेस, लेस देन हाफ टेन थीटा अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं वन ओवर टू फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन थीटा आप जानते हैं कि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ओ ए बी सर्कल का सेक्टर है और थीटा सेक्टर का सेंट्रल एंगल है जो ज़ीरो और पाई बाई टू के दरमियान पाया जाता है यानी थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर हम साइन थीटा पर डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन साइन थीटा चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कीमत पर डिवाइड करने से इनिक्वालिटी का साइन तब्दील नहीं होगा तो साइन थीटा पर डिवाइड करें साइन थीटा को साइन थीटा पर डिवाइड करेंगे वन फिर लेस देन थीटा को साइन थीटा पर डिवाइड करेंगे तो थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा फिर लेस देन साइन थीटा पर डिवाइड करेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा वन ओवर कॉस थीटा तो इसलिए पॉजिटिव कीमत पर डिवाइड करने से इनइक्वालिटी के साइन तब्दील नहीं हुए उसके बाद फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम टेकिंग रेसी प्रोकल इसको उल्टा देते हैं तो वन का प्रोकल वन होता है थीटा ओवर साइन थीटा का प्रोकल साइन थीटा ओवर थीटा है और वन ओवर कॉस थीटा का प्रोकल कॉस थीटा तो प्रोकल लेने से इन इक्वेलिटी के साइन बदल जाते हैं यानी पहले लेस की अलामत थी तो ग्रेटर की अलामत बन गई फिर लेस है तो ग्रेटर बन गया इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि अगर ए बी से लेस हो तो वन ओवर ए वन ओवर बी से ग्रेटर हो जाएगा तो रेसिप्रोकल लेने से इनिक्वालिटी की की अलामत बदल जाती है तो वन इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं यानी पहले कॉज थीटा फिर साइन थीटा ओवर थीटा फिर वन तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने से भी इन इक्वालिटी के साइन तब्दील हो जाते हैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव इज ग्रेटर देन फोर जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे पहले फोर फिर फाइव फिर सिक्स तो अब बन जाएगा फोर इज लेस देन फाइव एंड फाइव इज लेस देन सिक्स तो एक तो रेसिप्रोकल लेने से इनिक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है और रिवर्स ऑर्डर में लिखने से भी इनिक्वालिटी का साइन बदल जाता है तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे कॉस थीटा इज लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा इज लेस देन वन अब देखें साइन थीटा ओवर थीटा की हम लिमिट मालूम करना चाहते हैं जीरो पर इसलिए हमने साइन थीटा ओवर थीटा को सैंडविच बना दिया थीटा और वन के दरमियान जब थीटा की लिमिट जीरो होती है तो कॉस थीटा की लिमिट क्या होगी तो थीटा की लिमिट जीरो पर पुट करेंगे तो जीरो, जीरो, चूंकि वन होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जब थीटा की लिमिट जीरो होगी तो कास थीटा की लिमिट वन तो इस फंक्शन की लिमिट वन बन गई और ये कांस्टेंट फंक्शन है ये तो वैसे ही वन है तो साइन थीटा ओवर थीटा सैंडविच है किसके दरमियान वन और ऐसी क्वांटिटी जो वन की तरफ अप्रोच करती है तो हेयर साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन वन एंड ए क्वांटिटी अप्रोचिंग वन इट्स तो सैंडविच फ्योर हम यूज करेंगे इसकी लिमिट वन है और ये ऑलरेडी वन है तो जो सैंडविच फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी वन होगी तो देयर फोर बाई सैंडविच थियोरम साइन थीटा ओवर थीटा अप्रोचेस टू वन व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो इसलिए साइन थीटा ओवर थीटा की लिमिट भी वन होगी जब थीटा की लिमिट जीरो होगी तो हम यूं कह सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन